हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने घर में, जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आप सब लोगों के सामने आया हूं। और आप लोग जानते हैं, जैसा कि मेरे पीछे आप यूनिफॉर्म का फोटो भी देख पा रहे हैं, दैट इज़ ए IMA एंड वी डेफिनेटली ज्वाइन दिस टाइम IMA कोर्स। ठीक है, ये बैच है ACC आर्मी कैडेट कॉलेज 126 अटैम्प्ट के लिए। कौन से टाइम के लिए बच्चों, ध्यान रखना 126 के लिए। तो जितने भी जवान्स हैं, जो भी एयरमैन है या जो भी नेवी में एज ए सेलर काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। आप सब लोग जानते होंगे कि अगर थोड़ा सा भी हार्ड वर्क आप लोग करेंगे तो इस बैच में सिलेक्शन आप लोगों का डेफिनेटली हो जाएगा। वैकेंसी फिल आउट पिछली बार भी नहीं थी और इस बार भी नहीं थी। ठीक है, अभी 125 का रिजल्ट आया, हम लोगों ने 100 प्लस रिजल्ट दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां जाके उनके आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। टॉप 100 में लाना आपको मेरा काम है। ठीक है, टॉप 100 और ओवरऑल टॉप 500 में डिफेंस गुरुजी आपको कम से कम कंसिडर करेगा कि आप अगर हमारे साथ मेहनत करोगे तो एटलीस्ट हम टॉप 500 में आएंगे ही आएंगे। लेकिन मेन गोल है YLC कोर्स ज्वाइन करना, यंग लीडर्स कोर, आप जानते होंगे है ना, OTA के लिए। और मुझे लगता है काफ़ी लोग अवेयर भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को आगे ले जाने के लिए मेरी बस यही कोशिश है कि इस यंग लीडर कोर्स को आपको ज्वाइन करवाया जाए OTA के अंदर। ठीक है, जितने भी ACC हैं, SCO हैं, PSC जो PC एंट्री वाले हैं, जो कमीशन वाले हैं, उन सब के लिए कोर्स होता है, स्पेशली फॉर पर्सनैलिटी और इम्प्रूविंग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए। लेकिन सबसे पहले रिटर्न को निकालना बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ क्वालिफाइंग करना है जबकि हमें टॉप उसमें आना है, तभी जाके क्या है अपना चांस बढ़ेगा, ध्यान रखना। और जो पहले वाले में जिनका रैंक थोड़ा लेट आया है, मैं उनको बोलूँगा कि एक बार फिर से ट्राई करो। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी जवान अभी प्रिपेयर करेंगे मेरे साथ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना वार क्राई ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ अगर आपके 2IC से मेरी बात हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग और भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 5 गुरखा के 2IC का फ़ोन आता है, फिर महा रेजिमेंट से आता है, मराठा LI से आता है, तो काफ़ी सारे CO से डिस्कस करके इस पूरे बैच मॉड्यूल को मैंने डिज़ाइन किया है, तो आप लोग डेफिनेटली इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या 20-27 ईयर तक की क्राइटेरिया होता है। ब्लैक एंट्री हो तब भी चलेगा, रेड एंट्री हो तब भी चलेगा, बस 3 रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे सर्विस रूल क्या क्या है। बहुत सारे जवानों को लगता है कि उनकी जो स्किल है वो अच्छी नहीं है, बट डोंट वरी, देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, और आप लोगों को वो इंप्रूवमेंट करना है, एक कॉन्स्टेंट हार्डवर्क करना है मेरे साथ आने वाले 5-6 महीने तक। ठीक है, और उस 5-6 महीने में आपको डेफिनेटली इसके अंदर पूरा अच्छा रैंक मैं और मेरी टीम आपको लाकर दिखाएगी। ये जो बैच है ये 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, दैट मीन्स 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में इसमें इनरोलमेंट चलेंगे। दैट मीन्स 10 डेज का हम लोग क्या इसके अंदर इनरोलमेंट लेकर चल रहे हैं। तो पहली बात, जो पहला डाउट है कि 1 अक्टूबर से ये बैच है और 10 दिन तक क्या है इसके अंदर इनरोलमेंट चलेगा, एकदम बिल्कुल फ्रेश बैच आप लोगों को यहां पर क्या है मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मैच ड्यूटी है, मेरी गार्ड ड्यूटी है, अभी और कहीं ड्यूटी है, फॉरवर्ड पोस्टिंग हूं, बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप लोगों को रिकॉर्डिंग और प्लस आप इन सेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने email ID से। ठीक है, तो वो, और इस बार तो लगभग हम लोगों ने धमाल पूरा मचाया है 125 के अंदर भी, और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड अगर प्लेटफॉर्म ACC के लिए है तो वो यहां पर क्या है, वो यहां पर डिफेंस गुरुजी आप लोगों के लिए तैयार है। तो 1 अक्टूबर से यहां पर क्या है इसकी क्लासेस यहां पर चलेंगी, कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर क्या है इसकी मिलेगी, ध्यान रखना। सबसे मेन बात क्या, मैं फिर कहता हूं जो मेरा खुद का गोल है और जो आप लोगों का गोल होना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड, और जो 2 स्टार आप लोग देख रहे हैं ना, That is possible. आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग मेरे से ड्यूरिंग सर्विस टाइम भी आप लोग शायद मेरे से क्लास ले चुके होंगे, लेकिन अब जो है आप लोगों के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं खड़ा कर रहा हूं, ताकि एक ACC के लिए टारगेट ओरिएंटेड एज ए लेमैन की तरह मैं और मेरी टीम आपको पढ़ाएगी। ठीक है, आप लोगों के HRDC क्लासेस के लिए आप लोग जा रहे होंगे, आप लोग जानते होंगे, लेकिन वहां पर भी इतना एफिशिएंट वे में नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कम से कम पढ़िए उन लोगों से जिनको पूरा सर्विस रूल के बारे में पता हो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और मैं आप लोगों से कहता हूं इस बैच के अंदर मैं पूरे के पूरे 5000 क्वेश्चन हम लगभग आप लोगों को कवर करा देंगे, चारों सेक्शन, चाहे वो GMAT हो, चाहे वो CGAT हो, चाहे वो IC1 IC2 हो, या फिर वो ACT हो, और साथ में एक PD का छोटा सा कोर्स, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। आप लोग जानते हैं YLC के लिए अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको Day 1 पे वहां पर PPDT टेस्ट देना पड़ता है, दैट इज OER टेस्ट भी वहां पर होते हैं, तो घबराना नहीं है, डिफेंस गुरुजी आप लोगों के साथ खड़ा है। आइए जरा चर्चा करते हैं, व्हाट इज अवर एम।
एम हमारा क्या है, हमारा एम है YLC कोर्स को ज्वाइन करना, टॉप 100 के अंदर आपको आना, और थोड़ी सी मतलब अगर जोश हम दिखाएंगे तो टॉप 100 में आ ही सकते हैं, लेकिन वैसे डिफेंस गुरुजी का रिकॉर्ड है कि लगभग बच्चे हम लोग टॉप 500 में जो होते हैं वो लगभग मेरे यहीं से कोर्स करके जाते हैं। तो आप लोगों को घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, YLC पे जब आप रिपोर्ट करेंगे तो वहां पर भी OER टेस्ट और PPT का जो टेस्ट होगा, क्योंकि YLC के कॉल लेटर भी आप लोगों को मिलने शुरू हो गए, तो नो नीड टू वरी, वी आर ऑलवेज विद यू। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा, मतलब अगर इस बैच में ज्वाइन करें तो कैसे करें। मैं फिर से एक नंबर लिख रहा हूं, ये व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर को ये रहा 7082950147, इस नंबर के ऊपर आप ACC 126 लिख के भेज सकते हैं। क्या है इस नंबर के ऊपर, क्या है, आप ACC 126 लिख के क्या हमको भेज सकते हैं, मेरी पूरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। मेक श्योर दैट राइट डाउन ACC 126, इसको लिख के आप लोग भेजेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल यहां पर मिल जाएगा। नाउ अब पहला सेक्शन में डिस्कस करूंगा इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे कैसे। GMAT 150 क्वेश्चन आप लोग, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, इसको दो भागों में डिवाइड किया, 90 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 60 क्वेश्चन मैथ के। यहां पर अर्थमेटिक लेवल ज्यादा आपको मिलेगा, हालांकि ACT में एडवांस लेवल होता है एडवांस मैथ, लेकिन हम फिर भी यहां पर 60 में से एटलीस्ट हम लोग यहां पर क्या 45 प्लस लेने की कोशिश करेंगे। और ये रीजनिंग है, एक भी क्वेश्चन आपका जो हमारे नोट्स होंगे ना, खासकर स्टडी मटेरियल और नोट्स ध्यान रखना, इसके ऊपर यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट पैकेज स्टडी मटेरियल का, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है, एंड प्लस आप लोगों का एक ऑनलाइन कोर्स, इन तीनों का एक कंबाइन पैकेज। सपोज फॉर एग्जांपल वहां पर आप मोबाइल फोन यूनिट में अलाउड नहीं होता, कई बार आप जानते हैं ऑफिस में अलाउड नहीं है, वहां पर आप अपनी कॉपी लेके जाके पढ़ सकते हैं, सामने वीडियो चलेगा, हाथ में कुछ है तो फिर क्या है, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर को लेना बहुत जरूरी है। 60 प्लस पेपर यहां पर आपको मिलेंगे, मोर देन 60 प्लस पेपर आपको यहां पर प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, सो देयर इज नो नीड टू वरी। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स पूरा 6 मंथ कोर्स, ऑनलाइन कोर्स दो तरीके के हैं, 6 महीने का कोर्स और 12 मंथ कोर्स, मतलब एक साल तक के कोर्स में अगर इनरोल करना चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए करना चाहे तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, अपॉन यू। अब यहां पर 90 जो रीजनिंग के टॉपिक आते हैं, क्लॉक है, आप जानते हैं कैलेंडर से क्वेश्चन फिक्स है, आप जानते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन फिक्स है, सीरीज से क्वेश्चन फिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन फिक्स है, यहां से सारे के सारे टॉपिक आपको बकायदा वीडियो के जरिए हम आप लोगों को देंगे, और आप लोग उसके अंदर क्या है दी बेस्ट यहां पर क्या परफॉर्म कर सकते हैं। वही सेम टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस ध्यान रखना, 1 तारीख से आपको इसका एक डेमो क्लास भी मिलेगा, लेकिन आप लोगों को डेमो ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ दे चुके हैं, अब डायरेक्ट इनरोलमेंट है। और ध्यान रखना इस बैच के अंदर जो हम लोग टोटल सीट रख रहे हैं, टोटल जो सीट्स हमारी इस बैच के अंदर है दैट इज ओनली 50, 50 बच्चों का ये बैच है, तो दैट इज वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ सीट्स, तो मेक श्योर दैट कि आप लोग एनरोलमेंट में देरी ना करें। वन सीट इज फुल, देन आई सेड सॉरी टू यू, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इस नंबर पर आके क्या है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, दिस इज अवर नंबर, प्लीज डू व्हाट्सएप, पहले आप व्हाट्सएप करेंगे उसके बाद में टीम आपको अपने आप यहां पर क्या कॉल कर लेगी, और ACC 126 लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन इज, तो ये है GMAT का सेक्शन, ये स्कोरिंग सेक्शन है, ध्यान रखना इसके अंदर आपको स्कोर बढ़ाना है, दैट इज ये है रैंकर, है ना, अगर आपको रैंक लानी है तो ये सबसे बेस्ट सेक्शन है आपके लिए। रैंक लाने के लिए GMAT और CGAT, पास होने के लिए ACT और IC1 क्वालिफाइंग होने के लिए ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद CGAT के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस एंड स्टैटिक, ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड इट टू यू, बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में क्या है मैं आपको यहां पर क्या है प्रोवाइड कराऊंगा, तो देर इज नो नीड टू वरी, मतलब डिफेंस गुरुजी हर एक सेक्शन को यहां पर क्या है टैकल करेगा, हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, पॉलिटी के अंदर, करंट अफेयर के अंदर, ताकि आप लोगों को यहां पर कोई भी दिक्कत ना आए, A to Z चीजें यहां पर क्या है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो कंप्लीट CGAT सेक्शन 150 क्वेश्चन और कंप्लीट 6 के 6 सेक्शन, करंट अफेयर एटलीस्ट 6 मंथ के हम लोग कवर करेंगे, स्टैटिक जी के आपका चलेगा ही, साइंस वाला पार्ट भी है, पॉलिटी भी है, हर एक चीज है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अरियंत पढ़ के आप लोग उम्मीद करता हूं थक गए होगे, है ना, SK पढ़ के आप लोग थक गए होगे, क्योंकि दूसरा मार्केट में कोई ऑप्शन है नहीं। अब IC1 है, यहां पर मेरे साथी हैं जो प्रवीण जी, वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको लास्ट एक सेक्शन बता दूं उससे पहले ACT, बेटा कभी भी टॉपर बनने की मत सोचना, मैं आपको बताऊं
कि नेवर थिंक कि मैं एसीटी में सारे क्वेश्चन, एसीटी और आईसी वन आईसी टू क्वालिफाइंग पेपर है, स्कोर बढ़ाने के लिए, स्कोर बूस्टर, रैंक बूस्टर के लिए आपको जीमेट और सीजीएटी की तरफ फोकस करना पड़ेगा, वहां से आपको रैंक मिलेगा, यहां से आपको क्वालिफाइंग मिलेगा। अब यहां पर क्या है, मैथ 50 क्वेश्चन, लेकिन इस मैथ में क्या होंगे, एडवांस ज्योमेट्री के भी, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे बकायदा स्टडी मटेरियल के अंदर। देखो ये दो प्रीवियस ईयर पेपर के बड़े बड़े बंडल आपको मिलेंगे, ध्यान रखना अगर आप नोट्स के साथ पढ़ेंगे तो। नोट्स ये देखिए दो पेपर है, कंप्लीट सेट है, उसी के साथ में हर एक सेक्शन का अलग वाइज हैंड रिटन नोट्स यहां पर आपको कुछ इस तरीके की पैकिंग में आपको मिलेंगे, और वो एपीओ के जरिए आएगा, ध्यान रखना 56 APO या फिर क्या है 99 APO, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप लोग सर्विंग है तो आपको पता होगा, ऐसे करके आपको पैकिंग मिलेगी, ध्यान रखना, लुक एट दैट, ठीक है। तो ये जैसे मैथ के नोट्स हैं, वैसे आपको जीएस के नोट्स अलग से, क्वेश्चन अलग से उसके अंदर, वो सारी चीजें। तो मैथ के 50 क्वेश्चन, साइंस के लिए अलग से हमारी फैकल्टी है जो आपको साइंस के क्वेश्चन भी कराएगी और आपको कंसेप्ट भी बताएगी, ध्यान रखना क्वेश्चन एंड कंसेप्ट दोनों वहां पर आपके लिए होंगे। और साथ में जीके जीएस फिर से हम लोग पॉलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर से हम लोग हिस्ट्री के ऊपर, फिर से हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, दैट इज ऑल्सो कंसिस्ट 150 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर आईसी वन की, ठीक है, ये टॉपिक है 4, 8 and 12 टॉपिक, आईसी वन कंसिस्ट 12 टॉपिक एंड दैट कंसिस्ट 120 मार्क्स एंड 120 क्वेश्चन, दैट मींस ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। नाउ इट्स ओवर टू प्रवीण सर, आप लोग जानते होंगे रिजल्ट देने में और क्वालिफाई कराने में प्रवीण सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट डीजीजी के साथ कर रहे हैं, और आगे भी क्या है हम ऐसे इनके साथ मिलकर काम करेंगे और डेफिनेटली आप लोग प्राउड फील करेंगे, और जो दो स्टार आपके शोल्डर पर होने चाहिए वो आप लोगों को मिलेंगे, एकदम स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल लो लेवल, किसी को इंग्लिश नहीं आता, नो नीड टू टेक टेंशन यार, हम लोग प्रिपेयर कराएंगे, लेकिन टाइम आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू पुट योर एस ऑफ, रगड़ा खाना पड़ेगा तब जाके तुम तगड़े बन पाओगे। नाउ ओवर टू प्रवीण सर। तो देखा आपने बाकी सेक्शन का सर ने डिस्कस किया है, सीजीएटी का, जीमेट का, एसीटी का सर ने आपको बताया काफी अच्छे तरीके से, काफी डिटेल में आपको समझाया कैसे कैसे क्या रहता है, कैसे इसको टैकल करना है, कैसे अप्रोच करना है। आईसी के बारे में आपको बताता हूँ, इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश पेपर वन पेपर टू के बारे में, दोनों आपके क्वालिफाइंग हैं और इसमें नॉर्मली आप देखते होंगे 50% स्कोर रहता है आपका तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है क्लास आप लेते होंगे, कुछ लोग जुड़े हुए हैं पहले से भी, तो हमारा टारगेट जो है 70 to 80% तक हम स्कोर करने की सोचेंगे कम से कम। और जैसे कि सर ने बताया बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का जो फोबिया है, जो फियर है इंग्लिश को लेके, उसको हमने काफी हद तक दूर कर दिया है, और थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ तो उसको भी दूर कर देंगे, बस आप जुड़ जाएंगे क्लास के अंदर एसएससी 126 वाले बैच में। और जैसे कि आपको पता है आईसी पार्ट वन जो है वो ऑब्जेक्टिव आपका रहता है, ऑब्जेक्टिव में आप देखते हो 120 वहां पे क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन रहते हैं, वन क्वेश्चन कैरी वन मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहता है, तो 120 नंबर आपके हैं, और वन आवर का टाइम आपके पास है, 60 मिनट्स का टाइम है, लेकिन जिसकी अच्छे से जिसने इंग्लिश को पढ़ा है, अच्छे से ग्रामर की, वोकैब की अच्छी सी क्लास ली है जिन लोगों ने, वो एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स में भी 120 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। और क्या क्या रहता है इसके अंदर, एंटोनिम्स रहते हैं और सिनोनिम्स आपके रहते हैं, नॉर्मली आपके कभी 5 सिनोनिम्स, कभी 5 एंटोनिम्स, कभी 10 सिनोनिम्स, कभी 10 एंटोनिम्स रहते हैं, थोड़ा वेरी करता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके वेरी करते रहते हैं। इस बार आप देखोगे तो आपके 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स आए थे एसीसी 125 में, उससे पहले आपके 5 सिनोनिम्स 5 एंटोनिम्स आए थे। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बच्चे सोचते हैं इनको क्रैमिंग करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन नहीं, जो वोकैब आपकी है जिसके अंदर एडियम फ्रेज आ जाते हैं, जिसके अंदर स्पेलिंग एरर, जिसके अंदर आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके आते हैं, ये चीजें जो आपकी हैं वोकैब के अंदर, इसको हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू वोकैब आपको करवाई जाती है, समझाई जाती है, रटवाई नहीं जाती। उन मेथड्स में आप देखते हो रूट वर्ड्स मेथड है और लिंकिंग मेथड है, जिसमें हम कम एफर्ट डाल के स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करके, हम बहुत कम एफर्ट डाल के मैक्सिमम वर्ड्स को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ऑटोमेटिक वर्ड्स आपको याद होंगे, आपको उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी वर्ड्स को लेके, वोकैब को लेके। उसके अलावा आप देखते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आपके हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और वहां पे 10 क्वेश्चंस
आपके आते हैं। और जैसे मुझे पता है इंग्लिश को लेकर बहुत दिक्कत है बच्चों को, इसलिए काफी आराम आराम से बिल्कुल बेसिक से और साथ साथ उसको हिंदी लैंग्वेज में भी समझाते हैं, ताकि आप अच्छे से उस पे ऊपर अपना होल्ड कर पाओ, अच्छे से उसको सीख पाओ, समझ पाओ। इडियम फ्रेज आपके रहते हैं, ये भी आपके 10 इडियम फ्रेज रहते हैं, 10 इडियम फ्रेज आपके रहते हैं। स्पेलिंग एरर आप देखते हो, तो वर्ड हम जब करते हैं तो साथ साथ उसकी स्पेलिंग भी देखते हैं, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी देखते हैं, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी देखते हैं, उस वर्ड के सिनोनिम भी देखते हैं, एंटोनिम भी देखते हैं, यानी एक वर्ड के ऊपर पूरा उसका पोस्टमार्टम होता है। क्योंकि आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जो आपके SSB में आपको हेल्प करेगी, तो उसके लिए भी साथ साथ काम चलता है, तो उसके उसको भी आपको बेनिफिट मिलेगा। IC पार्ट 2 जो होगा, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में, उसमें भी आप देखोगे वोकैब आप जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, वर्ड पावर जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और आपका जो ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी, तो आराम से आप पैसेज, लेटर्स, शॉर्ट नोट्स और आपका जो पैसेज को आराम से कर पाओगे, स्टोरी आराम से लिख पाओगे, वो चीज हमें आपके हेल्प करेंगी। फिलर्स आपके रहते हैं, जिसको फिलिंग द ब्लैंक बोलते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके फिलर्स रहते हैं। फिलर्स के अंदर ग्रामर भी रहती है, वोकैब भी रहती है, दोनों आपकी अच्छे से करवाई जाएगी। उसके बाद आपका स्पॉटिंग द एरर है, ठीक है। एक चीज मैं बार बार बताता हूं, ये जो फिलर्स है, स्पॉटिंग द एरर है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तीनों के 10-10 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं, फिलर्स को लेके, एरर्स को लेके और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेके। और ये 30 क्वेश्चंस जो हैं, ये लगभग सेम चीजें हैं। सेम का मतलब एग्जामिनर उसी क्वेश्चन को कभी तो देता है फिलर्स की फॉर्म में, उसी क्वेश्चन को देता है कभी स्पॉटिंग द एरर की फॉर्म में, उसी क्वेश्चन को देता है कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में। जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको वहीं समझाया जाएगा, तो ज्यादा आपको पजल नहीं होना इस चीज को लेकर कि वो फिलर्स में कैसे आता है, एरर में कैसे आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कैसे आता है। पूरी ग्रामर और आपकी वोकैब के ऊपर डिपेंड रहेंगे सारी चीजें। उसके अलावा PKVRS जो आपके हैं, जिसको कई लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, कई लोग इसको पैराजम्बल बोलते हैं, ये सारा आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहेगा। मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके पास जो डिफेंस रूजी का जो बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा उसमें आपको PYQ मिलेंगे। सर ने बताया जैसे 60 के आसपास आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उनको हर एक को सोल्व करवाया जाएगा, उसके अंदर PKVRS रहेंगे, सारी चीजें उसके अंदर रहेंगे, वो करवाया जाएगा। नरेशन आपके रहते हैं 10 क्वेश्चंस, ये अच्छे से करवाए जाएंगे। ऐसे प्रीपोजिशंस आर्टिकल्स रहते हैं 10 क्वेश्चंस, इस बार 5 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन आया था, 5 आर्टिकल्स आया था, लेकिन वेरी करता है, कई बार 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन 10 आर्टिकल रहता है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर है IC पार्ट 1 का, 120 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, 1 आवर के अंदर हम इसको आराम से कवर कर लेंगे। इसके अलावा आप देखोगे IC पार्ट 2, इसके अलावा आप देखोगे इंट्रैक्टिव क्वांटिटी इंग्लिश का पेपर 2 जो है, जो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको लिखना होता है, इसमें आपका टोटल 180 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का टाइम आपके पास है, 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का टाइम है। लेकिन अगर आपने अच्छे से आपने वोकैब अच्छी कर रखी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, साथ साथ आपने मेरे साथ आपने एसेज, लेटर्स, पैसेज और शॉर्ट नोट्स, पिक्चर राइटिंग वाला सारा पढ़ा है, तो आराम से आप इनको भी लिख पाओगे, जो आपके पास लिमिटेड टाइम है 2 आवर्स का, उनमें आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो होता है आपका, ऐसे जो होता है आपको पता है, ऐसे आपको नॉर्मली 300 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। नियर अबाउट आपको लगभग आपको 300 वर्ड्स में, 300 शब्दों में ऐसे लिखना होता है 60 मार्क्स के लिए, आराम से इस पर लिख पाओगे। वही जो एसेज लेटर्स आपको करवा दिए जाते हैं क्लास के अंदर, उन्हीं में से आपका एसेज लेटर्स अभी आए हैं। पिछली 2 बार से मैं देख रहा हूँ, ACC 124 वाले बच्चे थे, कैंडिडेट्स से ACC 125 वाले थे, जो ऐसे जो शॉर्ट नोट्स जो लेटर्स आपको करवा दिए गए, उन्हीं में से आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे लेटर आए हुए हैं। तो साथ साथ आपके इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको साथ साथ आपको याद करके अच्छे समझाया जाएगा, उसके बाद आप एक बार लिख के देख लोगे, 1-2 बार आराम से इनको भी लिख पाओगे। लेटर जो है आपका ऑप्शन आपके देखो, ऐसे ऑप्शन आपके पास कभी 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से 1 लिखना होता है, 5 में से कभी 1 लिखना होता है, कभी 3 में से 1 लिखना होता है, लेकिन लेटर आपके नॉर्मली 3 लेटर होते हैं, उनमें से कोई 1 लिखना होता है 30 मार्क्स के लिए, ठीक है, आराम से इसको कर पाओगे। पैसेज जो है, अब पैसेज के अंदर क्या होगा, पैसेज के अंदर आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, वहां भी आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रहा है, कुछ वर्ड्स आपको देगा और पूछेगा इस पैसेज में से इसका मीनिंग कौन सा है, वो आपको वोकैब स्ट्रांग होगा तो आराम से इसको कर पाओगे, पैसेज को भी आराम से पढ़ के क्वेश्चंस कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स आपके यहां पे नॉर्मली 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको 2 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, 1 शॉर्ट नोट 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है, 30 नंबर के लिए आप शॉर्ट नोट्स लिख लोगे, ठीक है। इसके अलावा स्टोरी राइटिंग है, जो आपके पास 2 पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, उन पिक्चर्स को देख के आपको ऑप्टिमिस्टिक होके, पॉजिटिव होके वहाँ पे स्टोरी लिखनी होती है, 1 स्टोरी 15 मार्क्स की है, ठीक है। तो ये पूरा आपका IC पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जो आपके लिए क्वालिफाइंग है, जो आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से उसको हम करेंगे अच्छे से, वहाँ भी IC पार्ट 2 और पार्ट 1 में अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी डिटेल में सर ने आपको बता भी दिया, थोड़ा बहुत और आपको एड्रेस करेंगे अभी बाकी चीजों के बारे में। देखिए, जैसे प्रवीण सर ने आपको बताया कि पूरी स्ट्रेटजी जो बताई है आप लोगों को,
IC1 और IC2 में हम लोग 50% मान के चलेंगे, इन केस अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही पुअर है तो। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां पर भी आप लोग 70% तक भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप हमारे मॉड्यूल पे काम करेंगे तो। मतलब अगर है कुछ दिल में कुछ करने का, ठीक है, तो अपने वॉर क्राई को याद करो, मोटिवेट हो जाओ एंड टोल्ड योर CO साहब एंड टू IC कि इस बार मैं रगड़ने वाला हूं एग्जाम को, गिव मी सम टाइम, अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, ठीक है, क्योंकि वही आप लोग तैयार होंगे, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट करो, कोई दिक्कत है तो मेरी बात करवाओ, मेरा नंबर या उनको उनको नंबर, उनके पास जो नंबर है वो मुझे दे दो, मैं आपको हेल्प करूंगा यार। मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जवान को मैं तैयार करा रहा हूँ एंड आई कैन अश्योर यू कि मैं आपको रिजल्ट निकाल के दूंगा, ठीक है। तो आप सब लोगों से अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल, ठीक है, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मैं करवा के दूंगा, ये रहा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डू फास्ट, क्योंकि टाइम इज वेरी लेस, नंबर ऑफ सीट्स इज ओनली 50, ध्यान रखना। सिर्फ कितनी सीटें हैं, 50 सीटें, ये नंबर रहा। ACC 126 बैच है, तीनों चीजें आपको लेनी है, स्टडी मटेरियल भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी और ऑनलाइन भी, ध्यान रखना। कंप्लीट जोर लगाओ, आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और डेफिनेटली इस बार डंका बजेगा और YLC कोर्स के लिए भी जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूं, जीतेंगे। जय हिंद।